वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस सेशंस में हम आपसे बात करेंगे अबाउट अवेलेबल सीट्स फॉर BAMS कोर्सेज इन कर्नाटका स्टेट। ओके, कर्नाटका स्टेट में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे BAMS कोर्स के लिए 2021-22 के सेशन में सीट्स अवेलेबल है। कोई कॉलेजेस में 1 से 2 सीट है, कोई कॉलेजेस में 5 से 10 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमें एडमिशन्स के लिए जो प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमें मेंटेन करना है। कोई भी ऐसा कॉलेजेस नहीं है कर्नाटका स्टेट में जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एडमिशन्स दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं वो एजेंट से, कोई कॉलेजेस ऐसा नहीं है जो आपको होम्योपैथी और आयुर्वेदा के कोर्स में एडमिशन्स दे रहा है विदाउट नीट क्लियरिंग। ओके, नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कन्फर्म है। मिनिमम आपको 122 मार्क्स चाहिए। आप कोई भी स्टेट से हैं, यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, आपका 96-98 मार्क्स पे आपका नीट एलिजिबिलिटी होता है। बट आप जब कर्नाटका स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका मिनिमम स्कोर 120 होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैटेगरी है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब जनरल में आपका कन्वर्ट हो जाता है कैटेगरी, तो आपका जो कट ऑफ होता है वो भी आपको मिनिमम जनरल का जो कट ऑफ रहता है वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक्सेप्टिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो जितने भी राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है इवन, उनको जो रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 122 मार्क्स होना चाहिए कैंडिडेट्स का। ओके, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम 50% होना चाहिए। यदि आप दोनों चीज़ में एलिजिबल हो रहे हैं और अभी तक आपने एडमिशन्स नहीं लिया है और आप सोचते हैं कि मेरा ये 2021-22 के सेशन में मेरा एडमिशन्स कोई ऐसे कॉलेजेस में हो जहाँ पे मुझे फीस टू फीस एडमिशन्स मिले, फी स्ट्रक्चर है टोटल जो मैनेजमेंट कोटे का वो रिजनेबल हो, कॉलेज का कैंपस एक प्रॉपर सिटी में हो, एक बढ़िया कैंपस हो जिसका खुद का मेडिकल कॉलेज भी हो, आयुर्वेदा कॉलेजेस भी हो, ऐसे कैंपस में मुझे एडमिशन्स मिले, आप स्क्रीन पे दिए गए हो नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इमीडिएटली आप हमें संपर्क कीजिए, आपको एकदम सही और सटीक जानकारी हमारे इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। एकेडमिक सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इमीडिएटली आप डिसीजन लीजिए। एडमिशंस का जो लास्ट डेट है बहुत नज़दीक है। पॉसिबिलिटी है कि जब आप हमारे ये सेशंस देख रहे हो 1 वीक या 2 वीक के बाद, तब तक सीट्स खत्म भी हो चुके होंगे। ठीक है, आज 8 तारीख को हम ये सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है अगले 3 से 4 दिन में जो भी कॉलेजेस के जो सीट्स है वो फिल्ड हो जाएगा और प्रोसेस 2021-22 का फिनिश हो जाएगा। तो उसके पहले आपको हमें संपर्क करना है। जहाँ पे भी जो भी सीट्स है हमारे यहाँ से आपको एक ऑथेंटिक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा और हमारे मैक्सिमम एफर्ट्स रहेंगे कि आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिले, कोई भी एजेंट कंसल्टेंट के थ्रू आपको फंसना ना पड़े। ठीक है, मेजोरिटी कॉलेजेस है कर्नाटका स्टेट में स्टूडेंट्स को लोन लेटर प्रोवाइड करते हैं, उनको फीस रिसिप्ट पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये सिचुएशंस में आप पहले सेमेस्टर का फीस भर के और या तो आप फर्स्ट ईयर का फीस भर के आप सेकंड ईयर के लिए आप लोन के थ्रू आप अपना रिमेनिंग फीस भी भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र है, गुजरात से, उनको अभी तक एडमिशन्स नहीं मिला है तो आप हमें संपर्क कीजिए। पर्टिकुलरली जो गुजरात से कैंडिडेट है और जो नीट क्वालिफाइड है, देखो गुजरात में जो होम्योपैथी और आयुर्वेदा के जो सीट्स थे वो ऑलमोस्ट 100% भर चुके हैं। मैनेजमेंट के जो सीट्स है वो भी भर चुके हैं और गवर्नमेंट के जो सीट्स है वो भी भर चुके हैं। अभी जो रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स है जिनको एडमिशन कहीं पे नहीं मिला है, उनको कर्नाटका स्टेट को प्रायोरिटी देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो करीबन 20-22-25 साल पुराने ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर किया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, यहाँ पे 100% फैकल्टीज होता है, हॉस्पिटल में आपको एक्चुअल में आयुर्वेदा का पेशेंट मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर किया जाता है। बहुत सारे गुजराती मराठी बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो उनके साथ आपको ऐसे रूममेट ऐसे क्लासमेट आप रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक कल्चरल एडवांटेज मिलता है और आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलता है जो आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होता है।
तो उन सभी बच्चों को कर्नाटका स्टेट के ये कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना चाहिए। सी डोनेशन देने से तो बेटर है कि आप ऐसे कॉलेजेस को चूज करें जहाँ पे आपको फीस टू फीस एडमिशंस मिले। आज की डेट में गुजरात में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो आज भी कॉलेजेस को इंक्वायरी कर रहे हैं कि सर आप हमें सीट्स दीजिए। सीट्स नहीं है, सीट्स फिनिश हो चुके हैं गुजरात में, ठीक है। कर्नाटक एक लौता ऐसा स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें जो ऑल इंडिया कोटे के जो सीट्स होते हैं, स्टेट कोटे के जो सीट्स होते हैं और जो मैनेजमेंट कोटे के जो सीट्स होते हैं, उसमें एक एक दो दो सीट्स अवेलेबल है आज की डेट में भी, ठीक है। तो इन कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। फीस बहुत निगोशिएशन के बेस पे हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं और आपको एक मिनिमम फीस स्ट्रक्चर में एक क्वालिटी कॉलेजेस मिलेगा जहाँ पे आप अपना एक बीएमएस का स्टडी फिनिश कर सकते हैं। कर्नाटक स्टेट को प्रायोरिटी देने का एक दूसरा भी रीज़न है, यहाँ पे आपको फ्यूचर में जब एमडी एमएस करना हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमडी एमएस के भी सीट्स हैं और पीएचडी के भी सीट्स हैं। तो विद इन द सेम कैंपस यू कैन कम्प्लीट योर एंटायर स्टडी, ओके। आप बीएमएस भी फिनिश कर सकते हैं, एमडी एमएस भी फिनिश कर सकते हैं और अप टू पीएचडी आप यहाँ पे सेम कैंपस में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पहले बहुत हाई था, वहाँ पे अभी थोड़ा निगोशिएशन होने का चांसेस है। तो आप ये सिचुएशन में आप हमें सीधा संपर्क कीजिए, स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से आप सोच रहे हैं कि मुझे नीट रिपीट नहीं करना है, मैं क्वालिफाइड हूँ, आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। आने वाले सालों में कंपटीशन बढ़ने वाला है, हर साल करीबन 17-18 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्ज़ाम्स देते हैं और उसमें से करीबन 7-8 लाख जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट क्वालिफाइड होते हैं। यही क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होते हैं। 2016 से नीट मैंडेटरी हो चुका है। 2018 के बाद इंडिया का कोई ऐसा कॉलेजेस नहीं है जो कोर्ट में जाके भी नीट नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एडमिशन्स दे सकता है। एज़ पर द आयुष गाइडलाइन, एज पर द CCM गाइडलाइन, नीट इज मैंडेटरी फॉर द BAMS कोर्सेज। जो भी एजेंट्स, जो भी कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि मैं नीट नॉट क्वालिफाइड होते हुए भी आपका एडमिशन्स में आपको अदर स्टेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो कृपया उसकी बातों में ना आइए भैया। CCM की गाइडलाइन को फॉलो करें। आज की डेट में कर्नाटका स्टेट में एक भी ऐसा कॉलेजेस नहीं है जो डायरेक्टली बोल रहा हो किसी पेरेंट्स को, किसी स्टूडेंट्स को कि आप नॉट क्वालिफाइड होते हुए भी हम आपका एडमिशन्स करेंगे। इट इज़ टोटली इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे कभी भी ऐसा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स थे, हमें फॉलोअप ले रहे थे, हमें पूछ रहे थे कि सर हमको यहाँ से कॉल आ रहा है, हमको वहाँ से कॉल आ रहा है, हमें एडमिशन्स लेना चाहिए, हम क्या करें। हम ये सिचुएशन में आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं भैया, आप CCM के गाइडलाइन को फॉलो करो, ठीक है। यदि आप SC ST OBC से है, आपका मिनिमम 96 मार्क्स होना चाहिए नीट में। यदि आप जनरल कैटेगरी से, आपका मिनिमम 122 मार्क्स होना चाहिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा के कोर्स में एडमिशन्स लेने के लिए। फिर वो इंडिया का कोई भी स्टेट क्यों ना हो, आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टेट गाइडलाइन और CCM के अंडर ही होगा, ठीक है। तो आप सिस्टम के अगेंस्ट जाके एडमिशन मत लो, ओके। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे आयुष का कोई ऐसा कोर्सेस चाहिए जहाँ पे मुझे नीट नॉट क्वालिफाइड होते हुए भी एडमिशन्स मिले, तो आप नेचुरोपैथी कोर्स को प्रायोरिटी दो। नेचुरोपैथी में भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।